नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। करण जी के की ये 8वीं वीडियो है आरएमयू में, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 163 देश इसमें शामिल रहे। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नंबर सर्वाधिक प्रभावित रहा नंबर एक पे अफगानिस्तान, नंबर दो पे इराक। मतलब लाइन बना कुल कितने देश शामिल थे, जारी ये करता है। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा इसमें से। भारत का जो स्थान है आतंकवाद प्रभावित देशों में 8वां है। अब अर्थशास्त्र के नोबेल की बात करते हैं। नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार हेतु पाल आर मिलग्रम, रॉबर्ट वी विल्सन, ये दोनों अमेरिका के हैं। इन ये अब मुझे प्रश्न बनेगा तो किस देश से संबंधित है, क्यों मैं आगे की पूरी ट्रिक आपको दे रहा हूँ। मैं अमेरिका के भी और ब्रिटेन के भी और फ्रांस के भी, जो इनको भी मिला है, वो सब याद करा दूंगा मैं आपको। एक तो दोनों नाम याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं। अम्मी माने मम्मी होता है। रॉबर्ट ने मिल नीलाम कर दी, मिल थी आपकी वो नीलाम कर दी, नीलामी आप जानते ही जानते हैं। रॉबर्ट नाम का लड़का है कोई। अम्मी का मतलब दोनों ही अमेरिका के हैं। रॉबर्ट का मतलब रॉबर्ट भी विल्सन को मिला है, मिलग्रॉम पॉल और मिलग्रॉम को मिला है, और किस लिए मिला है? नीलामी के सिद्धांत सुधार हेतु। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में हुई थी पहली बार, या 1969 में दिया गया। ये इससे संबंधित एक और प्रश्न है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस किसने, बस एक बार बोलना है, अम्मी रॉबर्ट ने मिल नीलाम कर दी। यहाँ से आपको ऑप्शन में से आप आसानी से निकाल लेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।